यूट्यूब चैनल कैसे आप सब। आई होप सब भी बहुत अच्छे एंड हैप्पी करवा चौथ उन लेडीज को जो कि मेरी ग्रुप में है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि और ये जो है मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी जस्ट उठी हुई हूँ। तो जस्ट अब मैं जा रही हूँ बात के लिए, क्योंकि और ये देखिए मेरे हाथ से मेहंदी और ये एंड द सेकेंड हाथ में जो है वो मुझे ये वाली पसंद है, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ये वाली लगाई है। भी उठ गया है तो आप जस्ट फटाफट मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ और देन आफ्टर मैं सरगी तैयार करती हूँ, क्योंकि सरगी यू नो ना, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो मुझे ही तैयार करनी हुई। टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फटाफट जाती हूँ, नहा के आती हूँ, सरगी तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी सरगी में क्या क्या। तो ये है मेरी सरगी की थाली जो कि मैंने खुद तैयार की है। अगर मैं घर में होती तो यही जो काम है ये मम्मी जी ने करना था, बट क्या करूँ मजबूरी, तो इस वजह से। और इसमें मैंने जस्ट जो है सब्ज़ी मैंने पनीर की रात में ही बना ली थी एंड आटा भी मैंने रात में ही लगा लिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा वो अकेले मुझसे होना नहीं था, तो ये चीज़ हो गई है। और मैंने यहाँ पर मीठे में बनाई है सेवियाँ और मोर फाइबर एंड विटामिन्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एप्पल लिया है और थोड़ा सा शुगर जस्ट फॉर कि लेना होता है शगुन के लिए। तो ये अब फटाफट से मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे पति देव भी रखते हैं, तो उनकी भी सरगी मैंने तैयार की है, तो हम दोनों फटाफट से खा लेते हैं। कीरत उठ गया है तो कीरत ने भी आई थिंक हमारे साथ सरगी जो है वो इन्जॉय करनी, तो अब मैं अपनी सरगी फिनिश करती हूँ, देन आफ्टर दिखाती हूँ कि आज का मैं पूरा दिन अपना कैसे इन्जॉय करने वाली। सरगी के बाद जो है वो मैंने जैसा क्या पता कीरत भी उठ गया था, कीरत उठ गया था ना उसके बाद तो इसने जो परेशान किया हमें बहुत ही ज्यादा, तो इसको जो है वो हम सुलाने लगे। ट्रैक्टर कितने हैगा उत्थे होना बेड थल्ले देखो जाके, और कीरत ने हमें बहुत परेशान किया, उसकी वजह से हम कीरत को सुलाने लगे और कीरत को सुलाते सुलाते हम खुद ही सो गए थे। तो अभी जो है थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर में पानी का समय फिक्स होता है जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया, तो मैंने सबसे पहले बर्तन धुले, क्योंकि चाहे मैंने कुछ बनाना नहीं कुछ खाना नहीं है बट बर्तन तो धुल लेना एंड फिर वो शाम तक वो पड़े रहते हैं मेरे, तो इस वजह से मैंने फटाफट से जो है वो पहले मैंने बर्तन धुलना प्रेफर किया एंड अब जो है जो अगर आपको दिखाऊँ ये देखिए बेड की हालत कीरत ने इतनी कैसे करके रखी हुई है। तो बस अब जो हूँ मैं फटाफट से झाड़ू लगाने जा रही हूँ एंड अब बस, और झाड़ू लगाने के बाद कीरत को तैयार करूँगी, देन आफ्टर मेरी ट्यूशन भी है, मैंने ट्यूशन पहले बच्चे को भी बुलाया हुआ है क्योंकि सारा दिन तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, तो एटलीस्ट उसको पढ़ा ही दूँगी क्योंकि उसका एक दिन की छुट्टी क्यों करूँ मैं, तो इस वजह से शाम की वजह उसको जो है मैंने दोपहर में बुला लिया, मैंने कहा एटलीस्ट उसका जो है एक घंटा मैं निकाल दूँगी। बस अब झाड़ू कर लेती हूँ, देखिए चाहे करवा चौथ हो चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, बट ये जो घर के काम है ना ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस वजह से घर के जो काम है, तो बर्तन फिनिश हुआ है, अब झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद सुबह सुबह इसलिए नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग इसलिए हो जाता, फिर कीरत सोता ही नहीं, और कीरत नहीं सोता ना तो उसने पूरा दिन जो है वो खुद भी परेशान होना था हमें भी करना था इस वजह से। और मैं अब देखती हूँ कि आज का मेरा शेड्यूल कैसा रहता है और क्या मैं करती हूँ। आई एम रेडी फॉर माई करवा चौथ। आप सोच रहे हो कोमल को क्या हो गया, एक्चुअली ये हुआ है कि ये है मेरी शादी वाली, मतलब जो मेरे शादी का सूट था उसकी चुन्नी, क्योंकि अब जो है सूट तो नहीं आता तो इस वजह से जो है, बट मैं चुन्नी हर साल लेती हूँ अपने सर पे, और ऐसा बोला भी जाता है कि जो चढ़ाए पे चुन्नी, मतलब जो शादी में चुन्नी आती है उसको ही हर साल लेके पूजा करनी चाहिए, तो मैं अपनी जो हूँ इस वाली जो ये वाली ब्यूटीफुल वाली चुन्नी है उसको लेती हूँ। तो मैंने जो अभी इसको निकाला है और थोड़ी सी स्मेल जैसे आ जाती है ना रखने की सीलन वगैरह की, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप अच्छी निकली हुई है तो धूप में डाल देती हूँ ताकि जो है शाम तक जो है अच्छा सो जाएगा। और ये है मेरी जो मेरा सूट है उसकी चुन्नी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ओहो ये है मेरी उसकी चुन्नी, मतलब ये जो है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये वाली सर पे जाएगी और ये वाली जो है वो नीचे की तरफ आएगी, बट ये है, और ये रेड नहीं है, ये एक्चुअली शायद कैमरे में रेड लग रहा है बट ये जो है मजेंटा कलर है जो कि इस बार बहुत ट्रेंड कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप सोच रहे हैं कुछ, मतलब इस बार फेस्टिव में या वेडिंग में कुछ भी लेने का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजेंटा कलर ट्रेंड कर रहा है, तो प्लीज़ आप मजेंटा कलर में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा जो है लुक क्रिएट आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। और ये है इसका शरारा जो कि अभी इसमें बहुत सारे धागे वगैरह निकले होते हैं, मैंने अभी ठीक किया, वैसे वो रेड ही लग रहा है बट पता नहीं क्यों रेड लग रहा है, बल्कि ये भी रेड लग रहा है ये भी रेड लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, बट ये मजेंटा है। एंड यहाँ पे जो है ये मेरी कुर्ती है इसकी, ये देख सकते हैं ये कुर्ती है, और ये सारा जो है फिलहाल सेटअप मैंने सारा कर लिया है क्योंकि लुक के लिए, तो ये जो है तो मैंने अपना जो सूट है वो डाल लिया है और आज मैंने अपने डे लुक के लिए ये वाला सूट क्रिएट किया, और ये वाला सूट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी चुन्नी, क्योंकि
की इसकी मुझे चुन्नी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कितनी भरी भरी है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज जो है वो यही वाला सूट डाला जाए। तो ये वाला सूट मैंने डाल लिया एज अपना डे लुक के लिए। तो अब बस थोड़ा सा जो हूँ मैं अपना अपने आप को संवार लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं संवारूँगी क्योंकि उसके लिए रात के लिए टाइम है। तो जस्ट मैं सिंपल थोड़ा सा प्रेप कर लेती हूँ अपनी स्किन को। तो मेरी सनस्क्रीन, हाँ ये रही मेरी सनस्क्रीन। देखिए भले मैंने घर से बाहर नहीं जाना है बट सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ मैं। हाँ जी टू 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 किरत देख रहे बेबी शक टू 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 टू। तो बस फटाफट से जो है वो पंप ले लिया है मैंने और अच्छे से अपनी स्किन पे। और ये है मेरा छोटा सा शीशा, ये शीशे इसलिए मैं बड़ा शीशा भी नहीं ले रही हूँ। ओ थैंक यू बेटे, बड़ा शीशा इसलिए भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक्चुअली ये ना विंडो के पास है तो मुझे जो नेचुरल लाइट है वो इससे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सिर्फ कपड़े उठाना जा रहा है मैंने बाहर, बट उसके लिए भी मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर रही हूँ। और जस्ट बिकॉज मैंने कहीं नहीं जाना है, घर भी रहना है, तो जस्ट मैं अपना थोड़ा सा ही मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ आज लूँगी मेरी ये रही मेरी फेयर लवली की बीबी क्रीम, जो कि मैं कभी कभी मार्केट आने जाने में भी ट्राई कर लेती हूँ, तो इसलिए जस्ट मैं इसको ही। अच्छा घर में जितने लोग मेकअप करते हैं मुझे ही लगता है वो बस ये घर वाला मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड 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 ये वाला नहीं होता, यही वाला चलता है। तो मैं भी सेम जो हूँ इसी तरीके का ही करूँगी। देखिए एकदम से गोरे होने का राज। तो ये जो है, और एक्चुअली बीबी क्रीम की बात है काफ़ी लाइट वेट है तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कोई हैवी वूवी वाला वो नहीं है। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कल एक न्यू लिपस्टिक, और जो नई वाली रब्बा मेरा, और मैं लेके आई हूँ एक न्यू लिपस्टिक जो कि है बाई कवर गर्ल। देखती हूँ, और इसको जो है अभी अभी जस्ट पैकेजिंग मैंने ओपन किए, यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं देखती हूँ कैसे ये इसका आता है। हाँ लिपस्टिक देखिए मैं कभी भी यूज़ करती हूँ ना उससे पहले मैं ज़रूर लिप लाइनर अप्लाई करती हूँ, बट ये वाला जो शेड है हल्का सा वाइन है इसके पास, मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसा करती हूँ यही वाला शेड अप्लाई करके कर देती हूँ कि कैसा इसका जो है लुक आता है। तो पहले मैं आपको उसका कलर दिखा देती हूँ, कलर ना समथिंग वाइन है, मतलब जो मतलब सूट है इससे थोड़ा मैच करता है, तो इस वजह से इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये मैंने नई भी लेके आई हूँ तो क्यों ना इसी को अप्लाई करूँ। यार काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ये कलर जो है वो मेरे लिप कलर पे सूट भी कर रहा है, अगर मैं बोलूँ कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं आपको इधर से दिखाऊँ फ्रंट से। तो ये हो गया मेरा लुक तैयार, और ये है मेरा डे लुक, और जो नाइट लुक है वो तो आप देख के शॉक हो जाएंगे। तो अब जाती हूँ मैं अपना, देखती हूँ कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे हमने जो है मूवी का प्लान बनाया है, बाहर नहीं घर में ही, तो हमने जो है मूवी का प्लान बनाया है। हमने जो एक नई मूवी आई है, आई थिंक पता नहीं अभी आई है कि थोड़े टाइम पहले है, फिलहाल हम वो मूवी देखने जा रहे हैं। टीवी पे वो लगा ही रहे थे तो मैंने कहा चलो कुछ तो टाइम पास किया जाए, पहले बोला था मैं लूडो लेके आता हूँ, तो मैंने कहा लूडो वगैरह कुछ नहीं देखना है मुझे, और मतलब आई मीन खेलना है क्योंकि वो कीरत नहीं खेलने देगा हमें। यार मेरा लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हूँ। और आज के दिन जो है वो एक अलग ही जो होता है वो चमक होता है हम सबके फेस पे, और जैसे कि मैं मिरर में भी देख रही हूँ और ये कैमरे की स्क्रीन पे भी देख रही हूँ, तो मेरा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सटल है, हाँ गला मेरा खाली है, और जो है वो मेरी चेन हाँ गले में मैं ज़रूर गोल्ड की चेन डाल लेती हूँ, ठीक है। बट आपने ना सेम चीज़ यही करनी थी कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आप चार्ट पे मतलब इस तरीके का चार्ट बनाते हैं ना, तो एटलीस्ट एक लाइन का गैप दिया कीजिए, अगर आप गैप देंगे ना तो वो थोड़ा सा साफ साफ ऐसा वही लग रहा है कि आपने जो है एक लाइन में ही लिख दिया, ठीक है। ट्यूशन भी ओवर हो गई है और उसके बाद हमने कीरत को भी सुला दिया, ऑलमोस्ट कीरत भी सो गया, उसको ना थोड़ा सा फीवर जैसा मुझे लग रहा था हो गया है, बट उसको दूध वगैरह पिला के दवाई वगैरह खिला के सुला दिया। तो अब भैया हमारा मूवी टाइम, ये हो मूवी टाइम यो, क्योंकि अगर हम खाली रहेंगे ना तो हो सकता है कि हमें भूख लगे, या मेरा तो चलो तभी मैं एडजस्ट कर लूँगी। भूख लगी है, प्यास लगी है, तो इस वजह से जो है इनका जो ध्यान अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए जो है वो हमने जो है वो मूवी लगाई हुई है वहाँ पे, देखिए मूवी जो है मूवी हमारी चल रही है। और अभी टाइम जो है वो 3:30 हो चुका है, मैंने नेल पेंट जो है वो लगा ली है अपने हाथों और पैरों में, और ऑलमोस्ट जो है वो मुझे एक मेकअप भी आ चुका है, तो वो मुझे मेकअप भी करना है, करवा चौथ का लुक देना है, उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप करूँगी।
सो दिस इज़ माई फाइनल करवा चौथ लुक। आप देख सकते हैं ये है मेरा पूरा सूट, ये मेरी हील्स और ये मेरा इसका सूट का दुपट्टा और ये है जो मेरा शादी के टाइम का दुपट्टा। और मुझे एक मेकअप आया था जिसको मैं करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने अपना बहुत ही सिंपल मेकअप रखा। और आप देख सकते हैं कि सामान जो है वो कंडीशन, आप देख सकते हैं कि इसको संभालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, जस्ट मैं अभी पूजा करके ही आई हूँ क्योंकि उस टाइम पे इतना जल्दी जल्दी रहा था, चाँद निकल नहीं रहा था, तो बस पूजा करके फ्री हुई हूँ, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा सा जो है आपसे चिट चैट कर ली जाए। तो कैसा लगा मेरा लुक आप मुझे बता सकते हैं, कि मैंने बहुत ही सटल एंड सिंपल रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ चूड़ियों को थोड़ा सा मैंने जो है वियर किया हुआ है, टीम अप किया हुआ है दूसरे तरीके से, एंड ओवरऑल लुक मेरा ये रहा है। और बस अब जो हूँ ये फिनिश करने के बाद ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फोटोशूट कराऊंगी और फटाफट जाती हूँ खाने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। हम यहाँ रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और आई थिंक आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट जो है हमने डिलीवरी ऑर्डर कर लिया है और आज मैं खा रही हूँ कढ़ाई पनीर एंड बटर नान। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू नो ना, इतना ज़्यादा फास्ट रखने के बाद भूख नहीं लगती, बट ये देखिए भुक्कड़ तो ये जो है। और बस ये था मेरा आज का करवा चौथ ब्लॉग, और ऐसे मैंने सारा दिन मेरा गया, थोड़ा सा बिजी भी था और बट फन था, बहुत ज़्यादा फन किया हमने, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस अब जा रही हूँ फटाफट से डिनर करती हुई, देखिए डिनर भी सर्व कर दिया गया है, तो अब मैं खाने जा रही हूँ और खाने के बाद जो हूँ, और ये हमारे बटर नान, तो फिलहाल जो है आज के लिए बटर नान अलाउ है, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इसके बाद जो हूँ घर जाऊँगी, थोड़ी बहुत सेल्फीज लूँगी, देन आफ्टर चेंज करूँगी। तो दैट्स ऑल गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज का करवा चौथ ब्लॉग आपको कैसा लगा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप वैसे कि आपका करवा चौथ कैसा गया। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।